हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, आपको बहुत बहुत स्वागत है हीरो वॉयटेक चैनल पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको किसी भी ऐप के बारे में नहीं बताने वाला हूँ, बल्कि आज एक जो सैड न्यूज़ आई है यूट्यूब की तरफ से, मैं उसके बारे में बात करने वाला हूँ। दोस्तों कुछ दिन पहले यूट्यूब ने अपनी पॉलिसी में कुछ चेंजेस किए थे, जिसके हिसाब से जो हमारे चैनल है वो उसका आधा क्राइटेरिया कम्प्लीट कर चुका है। दोस्तों अगर बात करूँ इस चैनल के बारे में, तो जो चैनल था, इस चैनल को मैंने किसी भी अर्निंग पर्पज़ से नहीं बनाया था। इस चैनल को बस मैंने एक जस्ट पैशन के तौर पर बनाया था कि मैं भी अपने कुछ वीडियोस डालूँ, अपने कुछ जो आइडियाज़ मेरे माइंड में कुछ ट्रिक्स पता चलते हैं, या फिर जो मुझे भी सो कुछ या फिर जो मुझे कुछ शॉर्ट ट्रिक्स या कुछ अर्निंग टिप्स पता चलते हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, इसीलिए मैं इस चैनल को बनाया था। और इसके अगर आप देखें व्यूज़ की बात करें तो व्यूज़ काफ़ी कम है, काफ़ी कम है। यहाँ पे 13 है, यहाँ 20 है, यहाँ 22 है, 15 है। दोस्तों ये यूट्यूब के व्यूज़ की बात करें तो उनके हिसाब से कुछ भी नहीं है जिन पर लाख लाख या मिलियन मिलियन व्यूज़ आते हैं। तो दोस्तों उस चीज़ का मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आया हुआ YouTube की तरफ से, वी आर मेकिंग द चेंजेस इन YouTube एज योर चैनल विल बी नॉट एलिजिबल लॉन्गर फॉर मोनिटाइजेशन। यानी कि दोस्तों जो ऐड आते इस चैनल पे वो अभी तक ऐड नहीं आएंगे। उसके जो दोस्तों उन्होंने दो क्राइटेरिया कम्प्लीट किया था, उसमें पहला था आपके जो सब्सक्राइबर है वो एक साल के अंदर लगभग 1000 हो जाने चाहिए। तो दोस्तों अगर बात करें तो चैनल को एक साल से ज़्यादा हो चुका था, बीच में मैंने इस चैनल को डिसकंटिन्यू कर दिया था, लगभग 6 महीने तक यूज़ नहीं किया था, चलाया नहीं था, वीडियो डाले नहीं थे। उसके बाद फिर धीरे 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 मैंने इस पर अब कंटेंट अपलोड करना शुरू किया है। दोस्तों अगर बात करें तो देखिए जो इसके यूट्यूब के क्राइटेरिया है उसके हिसाब से जो आपका चैनल है एग्जिस्टिंग और नया, वो दोनों के लिए आपका जो सब्सक्राइबर वो मोर देन 1000 हो जाने चाहिए एक साल के अंदर, और साथ ही साथ जो आपकी व्यूज़ है वो लगभग 4000 घंटे कंप्लीट होने चाहिए, तब जाके आपका चैनल जो है वो एलिजिबल होगा मोनेटाइजेशन के लिए। अगर आप यहाँ पे देखें तो जो हमारे चैनल है उसके यहाँ पे नोटिफिकेशन यूट्यूब की तरफ से आया कि आपका जो चैनल है वो उस क्राइटेरिया को कम्प्लीट नहीं करता है। अगर मैं आपको एनालिटिक्स में दिखाऊँ तो यहाँ पे देखिए जो हमारा आवर्स है वो 89,000 मिनट है, जो कि लगभग 62 डेज के आसपास पड़ता है, जो मैंने अभी कैलकुलेट किया था लगभग वो 1000 आवर्स के आसपास है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये देख सकते हैं, ये अभी रिसेंट के रिकॉर्ड है, ये पिछले 28 दिनों के हैं, उसमें कितने व्यूज़ आए हैं, कितने जो एवरेज एस्टिमेशन दिखा रहे हैं कि रेवेन्यू का वो है। अब यहाँ पे करते हैं हम लाइफ टाइम, यानी कि जो टोटल जब से मैंने चैनल स्टार्ट किया था उस दिन से देखते हैं अभी तक कितना जो व्यूज़ है वो देखिए। अगर दोस्तों आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 89,000 या लगभग 62 डेज के आसपास है, जो कि बाद में बहुत ही कम है यूट्यूब के हिसाब से, वो 1000 घंटे ही हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जो चैनल है वो आधा क्राइटेरिया कंप्लीट किया है, आधा कंप्लीट करेगा। दोस्तों इसका इस चीज़ का मुझे कोई पर्सनली कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि इस चैनल को मैं चलाता इसलिए हूँ कि मैं अपने आइडियाज़ थाट्स को डाल सकूँ। मैंने कोई अर्निंग पर्पज़ से ये इनेबल नहीं किया था। आप यहाँ पर अगर बाकी डिटेल देखें तो यहाँ पर कुछ जो बाकी रिकॉर्ड है वो हैं। दोस्तों अगर एक चीज़ यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, ये व्यूज़ देखिए आप यहाँ पे पहले बहुत स्लो थे, बीच में मैंने जब छोड़ दिया था तो बिल्कुल डाउन चले गए थे, फिर धीरे 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 ग्रो करना शुरू हुआ। तो कहीं ना कहीं आप लोग को जो कंटेंट है वो पसंद आ रहे हैं, तो इसी तरीके जो कंटेंट है वो रेगुलर रहेगा, वो आपको मिलता रहेगा। बाकी जो रहे यूट्यूब का क्राइटेरिया वो भी हम बहुत जल्दी पूरा कर लेंगे, बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए। अगर यहाँ पर रेवेन्यू की बात करें तो देखिए ये $3 इसका जो पे आउट होता है वो $100 कम्प्लीट होने पर होता है, तो वो भी बहुत जल्द पूरा कर लेंगे। ये जो कुछ फेवरेट जो ट्रेंडिंग वीडियोज़ रहे उनमें से ये दो रहे, एक क्लिक से कोई भी मूवी डाउनलोड करे, दूसरा ब्लूटूथ से गाने सुने। आपका जो चैनल है वो अब एलिजिबल नहीं है, पर जो कंटेंट है वो हम अपलोड करते रहेंगे। तो दोस्तों इस चीज़ का कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, उम्मीद करता हूँ कि आगे भी आप लोग का सपोर्ट मिलता रहेगा, साथ मिलता रहेगा, हम और बढ़िया से ग्रो करेंगे और अच्छा हमारा चैनल सपोर्ट करेगा, बस आप अपना सपोर्ट बनाए रखिए। तो दोस्तों बस एक यही अपडेट देना था जो मैंने सोचा कि आप लोगों को बता दें जो YouTube में क्या चेंजेस किए हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना,